2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो पुणे की लोकसभा सीट से अपना चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 2014 में ही शरद पवार ये कह चुके हैं कि वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी अब युवाओं को मौका देने की तैयारी कर रही है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि पवार ने 2014 में ही स्पष्ट कर दिया था कि वह अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं और आगे भी रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पवार ने पार्टी से उनके नाम पर विचार नहीं करने को कहा है क्योंकि वो प्रत्याशी नहीं बनेंगे। दरअसल पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार पार्टी की राज्य इकाई के दफ्तर में एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए पिछले दो दिन से बैठक कर रहे हैं। वहीं पवार ने पार्टी की संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की और पार्टी कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि योग्यता के आधार पर टिकट दिया जाएगा। वहीं एनसीपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत में राज्य की आधी लोकसभा सीटें मांगी हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 24 एनसीपी का दावा है। अब देखना होगा कि शरद पवार के चुनाव न लड़ने से सियासी तौर पर इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि शरद पवार पिछले 6 दशक से मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय हैं। वे 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री और मनमोहन सिंह की सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। सोनिया गांधी के विदेश मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी बनाई थी।